दुख से भारतीय छात्र अब वतन के लिए रवाना होने लगे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के बाद बिहार सरकार के द्वारा भी बच्चों को उनके गृह जिले तक वापस लाने के लिए हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। जिला पदाधिकारी अमन समी ने बताया कि हेल्प डेस्क नंबर पर संपर्क कर बच्चे तथा उनके परिजन भारत में पहुंचने के बाद बच्चों के घर वापसी के इंतजाम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बक्सर के इटाड़ी के हरचकिया निवासी कमलेश कुमार सिंह की पुत्री सुप्रिया सिंह यूक्रेन के चेरनेवेट्सी से रोमानिया पहुंची, जहां से शनिवार की सुबह 11 बजे भारतीय समय अनुसार दिन के 2 बजे फ्लाइट पर सवार हो गई हैं, जो कि शाम तकरीबन 8 बजे मुंबई पहुंच जाएंगी। वहीं राजपुर प्रखंड के श्यामपुर निवासी भाजपा नेता अमरेन्द्र पांडे के पुत्र अमित पांडे भी विंटसिया से बस में बैठकर शाम तकरीबन 6:30 बजे रोमानिया के लिए रवाना हो चुके हैं। बच्चों ने अपनी यात्रा के वीडियो और फोटोग्राफ्स भी भेजे हैं, जिसमें उनके चेहरे पर वतन वापसी की खुशी साफ तौर पर दिख रही है। उधर राजपुर प्रखंड के ही चौबे के परसिया गांव निवासी तथा वर्तमान में सोहनपट्टी में रह रहे अनिल श्रीवास्तव के पुत्र अभिषेक उर्फ दीपक श्रीवास्तव भी दिन में तकरीबन 1 बजे यूक्रेन के ओडिशा से रोमानिया के लिए बस में सवार होकर रवाना हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि वह देर रात तक रोमानिया पहुंच जाएंगे। केसर प्रखंड के दसियाओ गांव निवासी अमृतांश द्विवेदी नामक विद्यार्थी भी वतन वापसी करने वाले हैं। बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया हेल्प डेस्क नंबर की जानकारी बक्सर के जिला पदाधिकारी ने देते हुए बताया कि बिहार सरकार के द्वारा हेल्प डेस्क नंबर जारी किया गया है, जहां विदेश से आने वाले बच्चे संपर्क कर अपने गृह जिले में वापसी के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हेल्प डेस्क के प्रभारी नूर मोहम्मद से उनके मोबाइल नंबर 9769412345 पर कांटेक्ट किया जा सकता है। लबीब में रह रहे छात्र को स्थितियों में सुधार की संभावना जताया है, जिससे परिजनों में सुकून की आस जगी। बक्सर के इटाड़ी प्रखंड के उनवास निवासी राजनाथ सिंह यादव के पुत्र अभी यूक्रेन के लबीब में ही हैं। उनके पिता ने बताया कि वे लबीब में हैं और वहां स्थिति अभी सामान्य है, ऐसे में उन्हें अभी वापस नहीं आना है। उम्मीद है आने वाले दिनों में स्थिति में सुधार हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।